हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद सब अच्छे होंगे। तो मैं और मेरे भाई जी, हम दोनों निकल चुके हैं रात का नज़ारा देखने के लिए, रिपब्लिक डे से एक दिन पहले का। ठीक है, बाकी मोदी जी, अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अपने आए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, वो भी भाषण पे भाषण दे रहे हैं एक हॉल में। ठीक है, आप उनको लाइव देख सकते होंगे इस टाइम। बाकी ये वीडियो तो अपलोड कल होएगी, मतलब मैं आज की बात करूँ 13 जुलाई को। अभी वो इंडिया टीवी पे लाइव चल रहे हैं, मैंने देखा है अभी। ठीक है, और हम निकल चुके हैं, हमको लगेंगे सिर्फ 5 से 10 मिनट, मैरी रिडंसी पार्क में। ठीक है, और टाइम जो हो चुका है वो 10 बज चुके हैं यहाँ पे रात के। नहीं, 10 नहीं, 1 मिनट, आपको 10:30 हो चुके हैं, टाइम आप देख ही रहे होंगे, 10:29। ये रात का टाइम है, दिन का नहीं है। ठीक है, बाकी मौसम तो यहाँ ऐसे ही रहता है, चांदना बहुत देर में अंधेरा होएगा। आप मान के चलो 11 बजे प्रॉपर, 11 या 12 बजे प्रॉपर अंधेरा होएगा। ठीक है, बाकी वो जा रहे हैं आगे आगे, तो बने ना, मैं उस वीडियो में मैं दिखाऊंगा आपको रिपब्लिक डे से एक दिन का पहले का माहौल। ठीक है, फिलहाल सड़कों पे कोई नहीं है, क्योंकि मोस्ट सारे लोग आपको वहीं दिखाई देंगे, मैरी डी पार्क में। तो बने रहना इस वीडियो में, मिलते हैं आपको सीधा वहीं मैरी डी पार्क में ही। बाकी आप लोगों का इतना सपोर्ट ही मुझे ही, मतलब आज इस मुकाम पे खड़ा किया आपके, आप लोगों के सपोर्ट ने। ठीक है, इस मुकाम पे मतलब कि मैं आगे आगे अपनी और वीडियो बना रहा हूँ, अपलोड करता जा रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ही है, क्योंकि अगर कुछ नहीं होता तो मैं कुछ करता ही ना। तो मिलते हैं आपको थोड़ा आगे चल के। तो गाइस, रास्ते में ये वाला वाटर फ्लो, ठीक है, ये नाइट का ही व्यू है, ये पहाड़ों से पानी आ रहा है। और भाई जी खड़े हैं पोज में फोटो तुलाने के लिए। ठीक है, अभी इनकी फोटो क्लिक करते हैं, बाकी आप देख ही सकते हो। तो मिलते हैं आपको, मार्केट हो चुकी है बंद। ठीक है, कुछ लोग सैर पे निकले हुए हैं, सैर पे ही मतलब ऑलमोस्ट वहीं जा रहे हैं। बाकी एक भाई का भी फोन आया था जिनके साथ मैं काम पे जाता हूँ, ठीक है भाई जी का, तो उन्होंने बताया है कि रौनकें लगी हुई है पूरी। ठीक है, उन्होंने कहा जल्दी आ जाओ, रौनकें लगी हुई है पूरी। ठीक है, तो मगर चल ठीक है, आते हैं भाई, क्योंकि भीड़ भी बहुत ज़्यादा है, तो आगे जाने का पता नहीं, टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, मौका मिलेगा नहीं, तो जैसे भी होगा बताएंगे आपको, वहीं जाके मिलते हैं अब। बाकी बने रहना वीडियो में मेरे साथ ऐसे ही, और थैंक यू सो मच फॉर योर लविंग सपोर्ट, थैंक यू। तो फाइनली गाइस, हम पहुंच चुके हैं मैरी दी ड्रंसी। ठीक है, वो सामने ले जा, आप लाइटें देख रहे होंगे। ठीक है, वहाँ भी मतलब बहुत से लोग इकट्ठे हो रखे हैं। बाकी हमको जाना सीधा पार्क में, तो आपको लेके चलते पार्क में ही। बाकी आसपास का हमारे साथ और भी बहुत लोग जा रहे हैं आज वहीं पे सारे। ठीक है, पीछे भी आ रहे हैं और आगे आगे बाबूजी हमारे जा ही रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं सीधा पार्क में ही, देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं। पहली बार ही, हम भी पहली बार ही आ रहे हैं। ठीक है, अपने इंडिया में तो हम सिर्फ स्टेडियम ही जाते थे, 75 में 13 वाले में। ठीक है, द्रोणाचार्य स्टेडियम में। तो बाकी मिलते हैं अभी। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं पार्क के बाहर, यहाँ लगी है लाइन, ठीक है, एंट्री के लिए। तो आप देख ही रहे होंगे, तो लेके चलते हैं आपको सीधा। बाकी अंधेरा तो बहुत हो रखा है, क्योंकि रात हो रखी है, तो मिलते सीधा अंदर ही एंट्री के बाद, क्योंकि चेकिंग भी हो रही है अंदर, पता लगा चेकिंग भी हो रही है, उसके बाद ही मिलते हैं आपको। Thank you.
भाई प्रोग्राम हो चुका है समाप्त। ठीक है, ये अब लाइटिंग होना है और यहाँ की लाइटिंग हो चुकी है पब्लिक की, तो सभी अब जा रहे हैं अपने घर की तरफ। तो
हम भी चलते हैं। धुआं बहुत हो चुका है, प्रदूषण बहुत हो चुका है, बहुत ज्यादा पटाखे फोड़े गए हैं। तो अब मिलते हैं सीधा घर पर ही। तो गाइस अब हम आए हैं, रास्ते में एक प्रोग्राम हो रहा है छोटा सा, ठीक है। तो हम सीधा वहीं आ चुके हैं। I'm not that old.
हेलो गाइस, तो आपने देखा ही होगा कि मैंने ठीक है कल्ले ने पूरे फ्रांस वालों का ठीक है मतलब क्या कहूँ फ्रांस वालों की बत्ती गुल कर दी थी कल्ले एक हरियाणा के जवान ने हरियाणा के छोकरे ने ठीक है। तो इसी बात पे जय हरियाणा जय भारत ठीक है। तो गाइज आज की वीडियो हमारी हुई यहीं समाप्त ठीक है। आपने देखा ही होगा कि मैंने कैसे एंजॉय किया ठीक है। मुझे नहीं पता हम ना वैसे घूमते घूमते हम इस साइड आ गए, हमको नहीं पता था ठीक है कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम घूमते घूमते इस साइड आ गए, हमको डीजी की बात आई, आते गए मोर पास जाते गए, फिर हम वहाँ चले गए ठीक है। वो था फायर ब्रिगेड वालों का ऑफिस था एक तरह से ठीक है। वहाँ जो चेकिंग वगैरह कर रहे थे वही कर रहे थे, वो वहाँ घूम भी रहे थे बीच में। तो फाइनली मतलब आज मुझे आज बहुत ज़्यादा मज़ा आया ठीक है। अपनी इंडिया वाली याद आ गई, अपनी इंडिया वाली फीलिंग आ गई मेरे को ठीक है। लगा लो मुझे अपने भाई अपने जीजू की अपने दोस्तों की याद आ गई, जैसे हम मतलब कि कहीं पार्टी वगैरह में ऐसे खुले नाचते थे। और ख़ासकर ठीक है वैसे एक बात बता दूँ, मैं कभी अकेला ऐसे नहीं नाचा ठीक है कि मेरे साथ कोई नहीं है, बट आज पहली बार मैं अकेला नाचता हूँ ठीक है। कुछ नहीं पता क्या हो रहा क्या नहीं, बस लगे पड़े हैं। और बीच में हुआ क्या, आपने लोगों ने देखा ही होगा कि सभी लोग जितने भी थे फ्रांस के, जब मैंने अपना पंजाबी डांस या अपना भंगड़ा पाना स्टार्ट किया, सभी लोगों ने साइड में हो गए ठीक है। कई लोगों ने तो कई लड़कियां लगा लो, कई गर्ल्स ने और औरतों ने भी मतलब मुझे जैसे कहते हैं उठा दिखा के ऑल दी बेस्ट का, मतलब कईयों ने ऐसे मूव ना किया, हाँ भी क्या औसम डांस है इस तरीके से, उनके मुंह से मतलब दिख ही रहा था उनके मुंह के एक्शन से, क्योंकि जिस तरीके से मैंने डांस किया वो सारे के सारे साइड में हो चुके थे ठीक है इस हरियाणा के जवान ठीक है छोकरे को देख के। तो और जितनी हो सके ना ये वीडियो जरूर वायरल करना ठीक है, ताकि पूरे हरियाणा में पूरे भारत में और पूरे वर्ल्ड में ठीक है अपना हरियाणा नंबर वन पे आए ठीक है। अपना हरियाणा अपना भारत ठीक है, अपना भारत नंबर वन पे आए, ये नहीं कि अपना हरियाणा अपना पूरा भारत नंबर वन पे आए, बाकी नंबर वन पे चल ही रहा है ठीक है। क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है फ्रांस वालों ने अपने प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को ठीक है कल बुलाया, कल उनका जो है यहाँ रिपब्लिक डे है ठीक है, तो उन्होंने उनको कल बुलाया 14 जुलाई को ठीक है। बाकी वीडियो 13 जुलाई को बन रही है, अभी नहीं पता अपलोड कब होएगी, कल होएगी परसों होएगी, तो जब भी होएगी आपको नीचे सो ही हो जाएगा कि कितने दिन पहले की ये वीडियो है ठीक है। तो जैसा भी होगा आप लोगों को पता चल जाएगा, और जितना हो सके ठीक है वीडियो को लाइक और शेयर और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो और यहाँ का नज़ारा रिपब्लिक डे का मतलब कि नाइट शो और अपने भाई का हरियाणा वाले का भारत वाले का इंडियन का डांस आप सबको कैसा लगा। तो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और कमेंट जरूर करना और शेयर और सब्सक्राइब भी जितना हो सके शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाओ ठीक है, ताकि आने वाले और भी ऐसे ऐसे कारनामे हरियाणा वालों के फ्रांस में पूरे यूरोप में आपको देखने को मिले ठीक है। तो जितना हो सके अपने भाई के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो सब्सक्राइब कराओ। तो थैंक यू, मेरा साथ ठीक है देते रहना, अपनी सपोर्ट पूरी करते रहना। तो थैंक यू, बाकी दिल से थैंक यू आपका जो आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया है मेरे को, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ऐसे ही आगे करते भी रहेंगे ठीक है। तो बाकी अभी हम बिल्कुल आए हैं पार्क के पास, जहाँ से वो हमने वो शो देखा था, ये पार्क के पास का ही व्यू है ठीक है। यहाँ फुहारा चलता है ये गोल चक्कर पे ठीक है, ये वहीं का व्यू है। बाकी व्यू है, मैं थक बहुत चुका हूँ ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने मेरा डांस देखा ही होगा, वीडियो में आपने कम ही देखा है, मुझे खुद नहीं पता मैं कब का लगा पड़ा हूँ कब का नहीं, बट इतना है कि मैं थक चुका हूँ बहुत ज़्यादा।
एक टाइम ऐसा आया मुझे लगा कि मैं ना अपनी शर्ट निकाल के नाचूं, पूरा हरियाणवी वाला सो दिखाऊं इनको। बट मैंने सोचा क्यों इतना ओवर करना है, ठीक है नॉर्मली, क्योंकि इतना ओवर करके बेचारे ज़्यादा डाउन हो जाते, कोई फ़ायदा नहीं था। मेरे छोटे से ही वार में ये सारे लूज पड़ गए थे, फ्रांस वाले, पूरे यूरोप वाले, ठीक है। अगर मैं ज़्यादा ओवर कर देता तो ये ना हो कि कईयों को हार्ट अटैक आ जाता, ठीक है ना। तो क्योंकि आप लोगों को पता ही है, सबको पता है भारत वालों को भी, कि इंडियन इज़ अ वेरी पावरफुल, ठीक है, इंडियन मैन, इंडियन आर्मी, कुछ भी, ठीक है, ऑल दी आर इंडियन, ठीक है, ऑल दी इंडियन आर वेरी 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 क्या कहते हैं उसको, है नहीं याद, मुझे भी याद नहीं आ रहा क्या बोलना था, हाँ स्ट्रॉन्गेस्ट, वेरी स्ट्रॉन्गर, ऑल द इंडियन, ठीक है, ऑल द इंडियन थिंग्स एंड मैन, एवरी थिंग ऑफ द इंडियन आर वेरी 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 पावरफुल, ठीक है। तो थैंक यू एंड गुड नाइट, आज का सफ़र होगा यहीं ख़त्म। तो हम जा रहे हैं घर की तरफ, ठीक है, बाकी घर पे जाने के, घर तक जाने के लिए हमको लगेंगे अभी 10 से 15 मिनट, और जाते ही कुछ नहीं, आपके इस भाई ने, हरियाणा वाले ने चित हो जाना, मतलब सो जाना है बिल्कुल, बाकी लाइट नहीं है तो आपको मेरी शक्ल बिल्कुल भी नहीं दिख रही होगी, क्योंकि मुझे भी नहीं दिख रही खुद की शक्ल कैमरे में, तो जब थोड़ी लाइट पड़ेगी तभी दिख पाएगी। हेलो, तो मिलते हैं अब कल सुबह ईफिल टावर के पास, जहाँ पे फ्रांस का रिपब्लिक डे मनाया जाएगा, ठीक है, रिपब्लिक डे मनाया जाएगा, और वहाँ पे इंडियन आर्मी की परेड भी की जाएगी, ठीक है, तो वो आपको दिखाऊंगा ज़रूर। तो थैंक यू, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर, लव यू टू ऑल फॉर एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्टिंग, कीप लविंग, ठीक है, एंड सब्सक्राइब योर ओन चैनल, नॉट इट्स माई चैनल, इट्स योर ओन चैनल, ठीक है, अपने खुद के चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है, ये सिर्फ मेरा अकेले का चैनल नहीं है, पूरे हरियाणा, पूरे भारत वालों का चैनल है, ठीक है। और ये अभी भी पता नहीं कहाँ से क्या पटाखे जल रहे हैं, कुछ नहीं पता, और लोगों का क्या दिवाली मना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। फिलहाल हमने तो एंजॉय कर लिया, पटाखे भी देख लिए, हमारे रूम से सिर्फ हम दोनों ही आए थे, ठीक है, बाकी कुछ को कल काम भी जाना है, तो कुछ को ये है कि ज़्यादा थके हुए थे, थका तो मैं भी हुआ था, बट क्या करूँ, ठीक है ना। आप लोगों को जो यहाँ का माहौल, आपको लोगों का जो यहाँ का नाइट व्यू, ठीक है, रिपब्लिक डे वाले दिन का, और तो और अपना खुद का जो डांस, ठीक है, अपने फ्रांस में पॉपुलर करने के लिए, अपने हरियाणा वालों का, अपने भारत का, ठीक है, तो मुझे आना ही था, खास इसी दिन के लिए वेट थी ताकि मेरी ये वीडियो बने, ठीक है, आप लोगों का भाई पॉपुलर हो जाए, ठीक है, आपका भाई लगा लो, कुछ भी लगा लो, आपकी जान, जो कुछ भी, ठीक है, और अपना हरियाणा, अपना भारत ऐसी खूब तरक्कियां करे, पूरे वर्ल्ड में नंबर वन पे क्या है, हरियाणा भारत, जय भारत, जय भारत, जय हरियाणा, ठीक है। तो लव यू माय ऑल इंडियंस, ठीक है, एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्टिंग, ऐसे सपोर्ट करते रहना, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर, लव यू।